आज के सेशन में हम यूनिट 5 के कुछ टॉपिक कवर करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे लेयर इफेक्ट्स या लेयर्स पर स्टाइलिंग अप्लाई करना। लेयर्स क्या होते हैं ये हमने अपने पिछले वीडियो सेशन में देखे थे। आज हम लोग लेयर के ऊपर कुछ इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे। लेयर के ऊपर अप्लाई किए जाने वाले इफेक्ट्स को फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शन के नाम से जाना जाता है। जरूरत पड़ने पर इफेक्ट के अंदर हम इफेक्ट का रेशो या उसकी स्टाइलिंग में बदलाव कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से स्टाइलिंग को कम व ज्यादा कर सकते हैं। यह कहलाएगा कस्टम स्टाइलिंग। फिर उस स्टाइल को लेयर पर अप्लाई करना देखेंगे और फिर इसके बाद बात करेंगे मास्किंग लेयर स्टाइल के बारे में। एग्जांपल के लिए मैं वही पुराना इमेज लूंगा, हम कोई भी ले सकते हैं। हालांकि ये मिकी का इमेज है लेकिन विंडो में जाकर सबसे पहले मैं लेयर पैलेट को ओपन करूंगा जिसमें यह पता चलेगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट में एक मिकी का इमेज है जो कि एक अलग लेयर पर। कहने का मतलब यह है कि लेयर जीरो के सामने अगर ये आई बनी हुई आ रही है इसका मतलब ये विजिबल है। मैं इसे हाइड कर देता हूं। तो अब मेरे पास एक लाइट ग्रे कलर का बैकग्राउंड और मिकी की इमेज अलग। अगर मैं बैकग्राउंड हाइड करता हूं केवल मुझे मिकी दिखाई देगा। तो मेरी जो लेयर है लेयर जीरो जिसमें मिकी दिखाई दे रहा है, इस लेयर पर मैं कुछ इफेक्ट अप्लाई करूंगा। आप किसी भी लेयर पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जिस किसी भी लेयर पर आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले उस लेयर को सेलेक्ट करें। मैं मिकी इमेज पे अप्लाई करना चाहता हूं तो इसीलिए मैंने मिकी वाली लेयर को सेलेक्ट करा। लेयर पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए लेयर मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल के नीचे जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं इस सेगमेंट, ये सारे इफेक्ट्स के नाम, और इन सारे इफेक्ट को बोला जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो मैं अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं। यहां पर मुझे कुछ इफेक्ट दिए हैं, बेवल एम्बॉस, स्ट्रोक, शैडो, ग्लो, सेटन, ओवरले, ग्लो, ड्रॉप शैडो वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे इफेक्ट आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर देखने पर मिल जाएंगे। तो मैंने लेयर स्टाइल के बाद सेलेक्ट करूंगा ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक लेयर स्टाइल नाम से विंडो ओपन होगी और इस विंडो में यहां दिए रहेंगे इफेक्ट्स के नाम, और ये वही सारे इफेक्ट्स के नाम हैं जो लेयर मेन्यू में देखने पे मिल रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाला हूं इफेक्ट जो कि है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है आउटलाइन, कि जो भी आपकी लेयर है यानी मिकी की जो लेयर है यदि आपको इस पे कोई आउटलाइन देनी है तो उसके लिए स्ट्रोक फीचर को ऑन करो। स्ट्रोक के अंदर हमें मिलेगा साइज। जितना ज्यादा आप इसका साइज बढ़ाएंगे आउटलाइन का साइज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसको बहुत से बहुत 1 पिक्सल 2 पिक्सल रखें काफी। अब इसका कलर में चेंज कर देता हूं। तो यहां नीचे प्रॉपर्टी दी हुई है कलर, कलर पे क्लिक करते ही जो कोई भी आप कलर लेना चाहें, मैं कलर ले लेता हूं ग्रीन या येलो, मैं थोड़ा सा येलो कलर ले लेता हूं। ओके, तो येलो कलर की आउटलाइन आएगी। अब इसके बाद
कहाँ चाहिए ये, लेयर के अंदर या बाहर? अभी बाहर है, इनसाइड बोलेंगे तो लेयर के अंदर आएगी। अगर मैं इसका साइज बड़ा करता हूं तो ये मिकी के अंदर बॉर्डर आएगी। ये देखिए ये अंदर की तरफ आ रही है, इमेज गायब होती जा रही है। वो थोड़ा साइज बढ़ाता हूं और अंदर आएगी, लगभग पूरी गायब होगी। ये देखिए जरूरत के हिसाब से आप कहीं भी रख सकते हैं। मैंने से एक पिक्सल करा और रख दिया बाहर की तरफ। हम सेंटर भी कर सकते हैं, अंदर बाहर दोनों जगह, लेकिन मैं बाहर रखता हूं ताकि मेरी इमेज पे कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। तो ये था पहला इफेक्ट स्ट्रोक। दूसरा, मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूं ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो मींस लेयर का एक शेडो बनेगा। तो ड्रॉप शेडो पे क्लिक करो। अब यहां पर एक ऑप्शन रहता है ग्लोबल एंगल। ग्लोबल एंगल यानी कि जो एक फोकस लाइट होगी वो ऑब्जेक्ट पर कहां से आए, तो इस एंगल को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन में वापस ले आता हूं, लेयर, लेयर स्टाइल, प्लानिंग ऑप्शन। यहां से मैंने ड्रॉप शेडो को ऑन करा। अब ये बीच में जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है ये है ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी लेयर मिकी, और जो लाइन दिख रही है एक रेडियस दिख रहा है ये है लाइट का फोकस। तो शेडो हमेशा लाइट के फोकल लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में आती है, यानी आपको अगर मैं यहां से लाइट फॉल करूंगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको शेडो देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए अभी मैं इसकी ओपेसिटी यानी कि शेडो की डार्कनेस पूरी बढ़ा देता हूं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और शेडो के बीच का थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ये शेडो दिखाई दे रहा है, शेडो का कलर ब्लैक की जगह कुछ और रख देते हैं। मैंने रख दिया ब्लू, सॉरी रेड, तो ये रेड कलर की शेडो आ जाएगी। अब जैसे ही मैं ड्रॉप शेडो से टिक हटाऊंगा इट मीन्स वो इफेक्ट हट जाएगा और लेयर पर से भी शेडो गायब हो जाएगा। तो लेयर का शेडो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉप शेडो का। इसकी ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं, तो वैसे ही शेडो जो है वो थोड़ा सा लाइट रहता है, हल्का रहता है। डिस्टेंस भी मैं इसका थोड़ा कम करता हूं जिस तरह से। अगला ऑप्शन है इसके बाद आउटर ग्लो। मैं हालांकि आपको ऑप्शंस बीच बीच में से बता रहा हूं, उसका कारण ये कि किसी किसी लेयर स्टाइल में ऑप्शंस को जरूरत से ज्यादा है और कुछ लेयर स्टाइल में ऑप्शन कम है। तो मैं शुरुआत करूंगा कम वाले लेयर स्टाइल से ताकि एक बार आप इस पर काम करना सीख जाएं तो कोई लेयर की स्टाइलिंग को एडिट करना बड़ी बात नहीं। तो अभी हमने देखा है सबसे पहला स्ट्रोक यानी ऑर्डर देने के लिए, आउटलाइन देने के लिए। दूसरा हमने देखा है ड्रॉप शेडो। मैं इस पर से टिक हटा देता हूं, फिर वापस जाऊंगा आउटर ग्लो पे। आउटर ग्लो मतलब इमेज के चारों तरफ एक ग्लो लाना। ग्लो समझते हैं क्या होता है, तो मैं यहां पे ग्लो का थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूं, इस बार ब्लू ले लेता हूं। और स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, स्प्रेड मतलब फैलाओ। साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। हालांकि अब ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग मोड जो है वो स्क्रीन है। स्क्रीन मतलब हमेशा लाइट होता है, मैं नॉर्मल ले लेता हूं। यहां पर चारों तरफ एक ग्लो आ जाएगा। जितना ज्यादा आप इसका साइज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ग्लो का साइज बढ़ता जाएगा। साइज कम करेंगे तो ग्लो का साइज भी कम होगा। स्प्रेड मतलब कि फैलाव, यानी आखिर तक जाते जाते वो
डार्क हो जाए पूरी तरह से सॉलिड फिल्म एक स्ट्रोक की तरह, और जितना स्प्रेड कम रहेगा वो आखिर में जाते जाते ब्लर होता जाएगा। इसकी ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 75 होती है। तो लेयर के चारों तरफ ग्लो लाने के लिए इस्तेमाल होता है आउटर ग्लो का। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कलर ओवरले के बारे में। कलर ओवरले यानी कि इमेज के ऊपर एक सॉलिड कलर फिल कर देना कहलाता है कलर ओवरले। तो ये मिकी के ऊपर जहां जहां तक मिकी की इमेज थी उसके ऊपर पूरी तरह से कलर आ जाएगा। कलर जो मर्जी चाहे वो आप चेंज कर सकते हैं, मैं येलो कर देता हूं, सॉलिड येलो है। अब मैं चाहता हूं सॉलिड येलो नहीं करना है, थोड़ा पीछे मिकी की इमेज भी दिखाई दे, तो मैं इसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। तो जितना जितना ओपेसिटी हम कम करेंगे उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जितनी जितनी ओपेसिटी हम बढ़ाते जाएंगे ट्रांसपेरेंसी कम होगी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता जो आर पर दिखाई देती है। तो मैं इसको रख देता हूं अप्रोक्सीमेटली 75%। ये है कलर ओवरले। तो जो जो इफेक्ट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, भले वो स्ट्रोक हो, कलर ओवरले हो, आउटर ग्लो हो या ड्रॉप शेडो हो, मैं दो तीन चीजें और डाल देता हूं, ड्रॉप शेडो भी मैं डाल देता हूं। ड्रॉप शेडो डाल दिया और स्ट्रोक भी डाल देता हूं, स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर देता हूं 2 पिक्सल। और ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो लेयर के इफेक्ट्स थे वो मिकी की लेयर के ऊपर अप्लाई हो गए हैं, और वो यहां पर लेयर विंडो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो लेयर के नीचे दिख रहा है इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स के अंदर पे इफेक्ट स्ट्रोक अप्लाई है, ओवरले अप्लाई है, ड्रॉप शेडो अप्लाई है। मैं चाहता हूं मुझे स्ट्रोक नहीं दिखाना है, तो स्ट्रोक के पहले आईज बनी हुई आ रही है, एक आंख बनी हुई आ रही है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो अप्लाई है बट अभी वो विजिबल नहीं है। मैं ओवरले हटा देता हूं, मैं ड्रॉप शेडो हटा देता हूं, तो अब कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, केवल ओवरले रखना, ओवरले रख लो जो मर्जी चाहे वो आप रख सकते हो। यह कहलाता है मास्किंग, कि इफेक्ट लेयर के ऊपर अप्लाई करना बट उसे आप टेम्पररी डिसेबल भी कर सकते हो। और अप्लाई कर देना मतलब जो हमने अप्लाई बटन पे क्लिक करा तो जो जो प्रॉपर्टीज हमने सेट करी थी 3-4 ऑप्शंस की वो अप्लाई हो जाएगी। अब इसके बाद अगर इफेक्ट के ऊपर आईज पे आप क्लिक कर देते हैं तो सारे इफेक्ट एक साथ गायब होंगे, और इफेक्ट के सामने जो आईज बनी हुई आ रही है वो सारे इफेक्ट एक साथ आ जाएंगे। और कुछ उस पर काम करना है तो वापस जाएंगे लेयर पे और फिर से ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने देखा एक स्ट्रोक, मैं इसको भी हटा देता हूं टेम्पररी, ओवरले को हटा देता हूं और ड्रॉप शेडो को हटा देता हूं, और एक हमने देखा आउटर ग्लो। नेक्स्ट हम जिस लेयर स्टाइल की बात करने जा रहे हैं वो है ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट हम लोग पहले से ही जानते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब कि दो कलर का एक कॉम्बिनेशन। तो वो दो कलर क्या होंगे, मैं यहां से ले लेता हूं, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये लेता हूं ऑरेंज, रेड, येलो। अभी ये ऊपर ऑरेंज है, बीच में येलो है, फिर ऑरेंज है। मैं इसका एंगल थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं तो ये टिल्ट हो जाएगा अराउंड 135 डिग्री। अब ये पूरा ग्रेडियंट आ रहा है, मैं फिर से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूंगा तो मुझे पीछे मिकी दिखाई देने लगेगा। तो यहां पर कलर अप्लाई हुआ लेकिन एक समय में एक कलर नहीं, एक से ज्यादा कलर है। तो जब एक से ज्यादा कलर हम अपने ऑब्जेक्ट पर या लेयर पर लेकर आते हैं तो वह कहलाता है ग्रेडियंट, जो हमने ग्रेडियंट टूल में देखा था। नेक्स्ट इसके बाद है पैटर्न ओवरले। पैटर्न यानी कि जो पैटर्न स्टैम्प टूल हमने इस्तेमाल करा था कोई भी पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए, वो पैटर्न आ जाएगा। अब यहां पर
पैटर्न आप जो मर्जी चाहे ले सकते हैं। हालांकि मुझे अब यही वाला पैटर्न रखता हूं मैं, बबल्स वाला। अब बबल्स जो है वो पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसका ओपेसिटी कम करूं ताकि पीछे इमेज दिखाई दे। अभी भी इस पर बबल इफेक्ट आ रहा है। अब पैटर्न का जो साइज है हम जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, तो स्केल जो है वो 100% है। अगर आप चाहें तो उसको बड़ा कर सकते हैं बबल्स को, या चाहें तो बबल्स को छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ 200% और ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करता हूँ। तो यहां पर मिकी पर थोड़ा सा बबल्स वाला वॉटरिंग इफेक्ट दिखाई देगा। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं इनर शेडो। आउटर शेडो लेयर के बाहर शेडो देता है, परछाई देता है। इनर शेडो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर देगा। साइज बड़ा कर देता हूं। चोक यानी कि स्प्रेड पूरी तरह से वो सॉलिड फिल कर देगा। डिस्टेंस कितना हो वो डिस्टेंस आप रख सकते हो। तो कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से डार्क हो जाएंगे। इनर शेडो में इमेज के जो कॉर्नर्स है वो अंदर की तरफ से डार्क होते हैं। ये है इनर शेडो। ठीक वैसा ही काम करने वाला एक ऑप्शन होता है इनर ग्लो। आउटर ग्लो ऑब्जेक्ट के बाहर ग्लो करता है, इनर ग्लो ऑब्जेक्ट के अंदर ग्लो करता है। तो इनर ग्लो मुझे दिखाई दे इसलिए मैं फिर से उसे नॉर्मल कर दूंगा। कलर डार्क ही ले लेता हूं, अगेन मैं ब्लू लेता हूं। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ आएगा, थोड़ा सा साइज बढ़ाया। ये ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ आ गया ब्लू। अगर चौक बढ़ाऊंगा तो ये पूरा डार्क कर देगा स्ट्रोक की तरह। चौक जितना हो सके आप ना रखें, केवल साइज ही जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। तो उसके अंदर की तरफ से कॉर्नर्स थोड़े से ब्लू हो जाएंगे, या जो भी आप कलर देना चाहें वो हो जाएंगे। तो ग्लो जो है एक तरह की चमक है जो ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ आएंगे। लास्ट इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं बेवल और एम्बॉस। बेवल मतलब एक थोड़ा सा उभरा हुआ इमेज आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा उभरा हुआ इसके अंदर नजर आएगा। जैसे इसके कानों पे फोकस करिए, ऊपर की तरफ व्हाइट है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लैक है यानी कि शेडो। जितनी ज्यादा आप इसकी डेप्थ बढ़ाएंगे उतना उठा हुआ मिकी आपको फील होगा, और जितना ज्यादा साइज बढ़ाएंगे उतना आपको मिकी का इमेज एक थोड़ी सी उठी हुई सी महसूस होगी। तो किसी भी इमेज को हिंदी में बोला जाता है उभारना। अगर आप उभरी हुई इमेज लाना चाहते हैं, ऐसा लगे थोड़ा सा उठी हुई है इमेज अपनी सतह से, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेवल और एम्बॉस। और अगर कोई चीज अपने सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होगी तो जाहिर सी बात है उसकी परछाई भी होगी। ये चीज बेवल एम्बॉस दोनों चीजें मेंटेन करता है, शेडो भी मेंटेन करेगा और साथ में ग्लो भी मेंटेन करेगा। तो ये सारे थे इमेज के एक लेयर के इफेक्ट्स। किसी भी लेयर पर जो मर्जी चाहे जैसा मर्जी चाहे इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप उसे इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में करा केवल बताने के लिए। अगर आप ध्यान से हर एक फीचर्स को समझते हुए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो लेयर स्टाइल फोटोशॉप में बहुत काम की चीज है। थोड़ा बहुत अप्लाई होता है, स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, इतना ज्यादा रेशो नहीं लिया जाता जितना मैंने आपको बताया है। ये केवल एक बताने के लिए आशा था कि इफेक्ट वाकई में आ रहा है। जरूरत के हिसाब से हम किसी भी लेयर पर इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, वो जरूरत पर ही निर्भर करेगा। तो ये थे हम लोग की यूनिट 5 के टॉपिक लेयर इफेक्ट और लेयर स्टाइल। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर हमने सारे ऑप्शन देखे, हर एक ऑप्शन को अपने हिसाब से कम या ज्यादा करो, कस्टमाइजेशन उसको अप्लाई करो,
और विजिबल, और उसको हाइड करा सौरभ के सामने।